अभी हम लोग का प्लान सरोजनी मार्केट जा रहे हैं। अभी ये जामिया मस्जिद देख के आए। अब देखना सब लेडीज़ के कपड़े 80% लेडीज़ के कपड़े मिल जाते हैं क्या जवाब। तो हम लोग आप सरोजनी मार्केट को आए। ये पूरा मार्केट है। आज हम लोग आए रेड फोर्ट को, समझे ना। ये भी शाहजहां बनाए। यहाँ मेरे पीछे देखो। तो ये रेड फोर्ट के पास स्ट्रेट गए तो क्या है यहाँ पे टिकट काउंटर। वहाँ पे टिकट का काउंटर था, वहाँ पे टिकट और टोकन दे रहे थे। फिर ऐसा जाने का रास्ता है। वहाँ पे जो रेलिंग दिख रही है ना, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब 15 अगस्त को आके फ्लैग होस्टिंग वो जगह करते। पब्लिक पूरी यहाँ खड़ के सल्यूट मारते। तो यहाँ से फिर से बैग की चेकिंग होती, फिर यहाँ पे अलाउ करते। यहाँ से चढ़ते मतलब पीएम साहब ऐसा चढ़ के फिर यहाँ पे चढ़ के यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करते। समझो यहाँ कचरा वचरा सब साफ हो जाता है भाई। अच्छी सर्विस है ये। क्या है घंटा करो। अंदर एंटर हो रहे हम लोग। इस साइड के दरवाजे बंद कर दिए शायद। अच्छा ऐसा है। और यहाँ पे मार्केट लगा दिया लगा टॉयज वॉयस।
ये गेट के एग्जिट के बाद यार ये दीवाने आम है, मतलब हाउस फॉर कॉमनर्स। पे अंदर का जगह तरुण है, वहाँ पे बैठ के उन्हों एड्रेस करते थे भाई, हुकुम देते थे ये काम करो काम करो। तो ये दीवाने आम है और वहाँ पे दीवाने खास है, मीन्स खास पीपल विल स्टे देयर, वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वहाँ पे बैठते थे भाई शाहजहाँ। जो लोकल पब्लिक थी वहाँ पे लोग प्रॉब्लम आ रहे थे, वो लोग यहाँ पे आके मतलब एक डे अलॉट करते थे शाहजहाँ साहब जो है, एक दिन आएंगे यहाँ पे हफ्ते में, जब आके अपना पूरे यहाँ बढ़िया ना पूरी कमर पब्लिक बढ़िया ना आगे अपना अपना एक 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 प्रॉब्लम डिस्कस कर लेना। ताजमहल वो वहाँ है, वो बंद कर दिए, तो ये रंग महल है भाई। वहाँ पे शीश में वहाँ पे ग्लासेस लगे हुए थे, अब निकाल दिए, कहीं को निकाला नहीं मालूम। ये दीवाने खास, यहाँ पे पूरे रॉयल पीपल आते थे अपने प्रॉब्लम्स ले लेके, मतलब एक हफ्ते में एक दिन अलॉट करते थे मैं राजा को कि टीचर हैव एनी प्रॉब्लम्स, दे कैन विजिट वंस इन अ वीक। वेलकम। तो ये शाहजहाँ साहब का हमाम था। औरंगजेब साहब यहाँ पे नमाज पढ़ते थे, कहते ये पूरा हयात पक्ष पार्क है। पवेलियन है, यहाँ पे राजा साहब बैठते थे, यहाँ पे विश्राम करते थे, और यहाँ पे ऐसा एग्जैक्ट यहाँ पर पानी वाली का फ्लो होता था और वहाँ पे डांस होता था। डिंग चिका डिंग चिका। लेफ्ट साइड पे एक सावन पवेलियन है, वो है मालन पवेलियन, वो साइड उसके वाइट फ्रेंड है वहाँ पे। ये है सफर महल। बादर महल है। तो मैं यहाँ पे प्लम केक डाले तो गिलेरी खा रही है। देखो तो प्लान है म्यूजियम से जाने का, तो पूरे ये लाइन से म्यूजियम्स है, इतना बांध में बना लिया। सो अभी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम में जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ गायब हो गई? स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कुर्सी, दिस इज़ द कुर्सी। ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं प्रोजेक्टर से, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर म्यूजियम बनाए, वो बहुत अच्छी बात है। ये बोलते कितने के लोग मालूम नहीं कि फ्रीडम फाइटर्स कितना स्ट्रगल करें इंडिया को आज़ाद करने कैसे। सुभाष चंद्र बोस भी जो हिटलर से मिले, तो स्कॉटलैंड जाके पढ़े, बहुत बड़ी बात है। अगर आप देर से आए तो ऐसा रश मिलता, इसमें एक घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता फिर, इसे जल्दी आके लेना टिकट। ये आउटर व्यू ऑफ हेडफोर्ट, ज़्यादातर सोशल के टेक्स्ट बुक में बाहर ये फोटो लगी हुई रहती है। अगर थोड़ा जूस वूस पी और बॉडी को हाइड्रेट करें, हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, आप ना भी हाइड्रेट करना पानी पी के, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो हैप्पी बाय साइनिंग ऑफ।